जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है और उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। उन्होंने स्पीकर पद पर इंडी गठबंधन की मांग और बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी गठबंधन की बड़ी पार्टी है और इसीलिए उसका अधिकार पहले है। जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान है वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार। सरकार की ओर से पूर्वी बिहार के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा को शुरू कर दिया जाएगा और इस अस्पताल में शुरू होने से बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड और बंगाल से इलाज कराने के लिए लोग भागलपुर पहुंचेंगे। इसके लिए जल्द बहाली भी शुरू होगी। स्टाफ वगैरह की जो बात होगी लोकल लेवल से, वो लोकल लेवल से यहाँ से किया जाएगा और जो सचिवालय मुख्यालय के लेवल से आना है उन लोगों की भी पोस्टिंग निकट भविष्य में होने की संभावना है। भागलपुर वासियों का बरसों का इंतजार खत्म होने वाला है। जिले वासियों को जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक एक नया अस्पताल मिलने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ रुपयों की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अस्पताल में सभी अत्याधुनिक मशीनें इंस्टॉल कर दी गई है। अब कयास लगाया जा रहा है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक इस हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा बहाल कर दी जाएगी। इससे पहले कई दफा ओपीडी सेवा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन सभी डेडलाइन फेल हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो इस अस्पताल की ओपीडी सेवा है उसे बहाल करने को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है और अंतिम सप्ताह जुलाई के जो है उसमें इस अस्पताल में इलाज शुरू हो सकेगा। फिलहाल जो है इस अस्पताल की ओपीडी सेवा बहाल होगी। इसमें जो है कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। अगर यह अस्पताल शुरू हो जाता है तो बिहार ही नहीं बल्कि भागलपुर से सटे आसपास के जो जिले हैं मुंगेर, बांका और साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही मायागंज अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होगा। वैसे मरीज जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल से पटना और दिल्ली रेफर कर दिया जाता था लेकिन अब इस अस्पताल के शुरू हो जाने से वैसे मरीजों का इलाज भागलपुर में ही संभव हो सकेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। पटना में मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के बारे में जानकारी दी जाएगी। उद्घाटन के मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। मंगल पांडे ने कहा कि मिलेट्स हमें रोग से दूर रखता है और इसका उपयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मिलेट्स में कई गुण है और यही वजह है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाते हैं। उन्होंने कहा कि इसे खाने से दवा की जरूरत नहीं होगी। आज पटना के ऑडिटोरियम से तीन दिनों के लिए यहां इस पर चर्चा विमर्श होगा। किसान भाई या बहन जो अपने काम कर रहे हैं उन सबके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। उनकी समस्याएं क्या है, वो क्या विचार करते हैं, किस दिशा में सोचते हैं,